अच्छा सर, जैसा कि बिहार में शराब बंद हो चुकी है, तो क्या युवा बिना शराब के भी न्यू ईयर का स्वागत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सब लोग यही चाहता है कि कोई न पिए भाई, सब जुगाड़ आधे से फिट है। सकते हैं, बिना शराब का भी हो सकता है सारा पार्टी, लेकिन बिहार का जो सिचुएशन है उसमें देख रहे हैं कि शराब तो हर जगह मिल ही रहा है। सरकारें चोर है आपका पूरा, हम तो नहीं देख रहे हैं कि शराब बिक रहा है। अरे आदमी को खुद सोचना चाहिए, कुछ जहर है उससे क्या हमको संपर्क है, उसको हटा दी। सारे इसे लेडीज लोग के लिए तो सबसे खास कर अच्छा हुआ है, जिसका घर टूट रहा था आज बन रहा है इसके कारण। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप हमारे साथ देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में अभी शराबबंदी चल रही है और न्यू ईयर नजदीक है, तो आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि यह बिना शराब के नए साल को कैसे मनाएंगे। आपका नाम क्या हुआ जी? ऋतिक रोशन। अच्छा, आप कहाँ से हैं? बिहार जमुई जिला से। अच्छा सर, जैसा कि बिहार में शराब बंद हो चुकी है, तो क्या युवा बिना शराब के भी न्यू ईयर का स्वागत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग तो शराब नहीं पी रहे बचपन से, अभी तक कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना। और रही बात युवा की, तो युवा जो हैं सोसाइटी को नए संदेश दे सकते हैं। तो फिर तो सर, क्या बिहार में जो शराबबंदी हुई है, आपको क्या लगता है कि ये सही डिसीजन है? बिल्कुल सही डिसीजन है, बशर्ते इस पे कि जैसे हम आम पब्लिक है तो उसको जागरूक होना पड़ेगा। और रही सरकार को, तो सरकार को भी सख्ती बरतनी पड़ेगी और फिर प्रशासन को भी इस पे सख्ती बरतनी पड़ेगी। जैसा कि सर लोग अभी भी कह रहे हैं कि बिहार में शराब जो है वो सरेआम बिक रही है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये तो अब जहाँ मिल रही है वहाँ की बात है ना, मेरे नज़र में तो नहीं मिल रही है, जो खरीदने वाले हैं उनको पता है, और मिल रही होगी तभी वो बता रहे हैं। तो सर, आप कैसे स्वागत करेंगे नए साल का? नए साल वो तो देख रहे हैं, तो सरकार की गाइडलाइन भी आई है, वो 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बंद रहेगा। तो फिर वही सोशल मीडिया और फ़ोन कॉल, घर में इंजॉय करेंगे फैमिली के साथ। मतलब सर, आप कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे? बिल्कुल मैम। ओके सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रिंस श्रीवास्तव हुआ। सर, आप कहाँ से हैं? मैं सिवान बिहार से हूँ। तो सर, बिहार में जैसा कि शराब तो बंद है, तो बिना शराब का नए साल का स्वागत आप कर सकते हैं? बिल्कुल, शराब पीना सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, और इसीलिए नीतीश कुमार ने ये डिसीजन लिया जो काफ़ी अच्छा डिसीजन है, और इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रशासन की कुछ गलतियां हैं जिसके कारण अभी भी लोग शराब पी रहे हैं। इस पे काफ़ी कड़ा एक्शन लेके सरकार को पूरी तरीके से शराबबंदी करवानी चाहिए। तो सर, बिहार में अभी भी लोग कहते हैं कि शराब खुले आम मिल रही है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो पीते हैं लोग और कुछ जो अधिकारी लोग हैं उनसे मिले हुए हैं, और खुलेआम बॉर्डर पे जो है शराब आ जा रही है, ये जो है निम्न स्तर के जो अधिकारी लोग हैं उन पे नकेल कसने की ज़रूरत है नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार तो हर किसी के घर जा नहीं सकते। जो निम्न स्तर के अधिकारी हैं वो लोग मिले हुए हैं और वो लोग इम्पोर्ट करवा रहे हैं जिससे लोग पी पा रहे हैं, तो इस पे थोड़ा सा कड़ाई करने की ज़रूरत है बिहार सरकार को। बाकी इसका काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो पहले लोग शराब पी के गिर जाते थे, इधर दूसरा काम करते थे, वो अभी अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, और शराब की लत काफ़ी हद तक सबों को छूट चुकी है। अभी कुछ 20% लोग हैं जो शराब पीते हैं, वो भी धीरे धीरे थोड़ा सा प्रशासन की कार्रवाई की जाए तो वो भी छूट के और अपना भविष्य को सुधार सकते हैं, अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। सर, आपका नाम? सुनील। सर, जैसा कि बिहार में शराब बंद है और अभी नए साल का स्वागत लोग करने के लिए तैयार हैं, तो क्या बिना शराब के लोग स्वागत कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिना शराब का भी हो सकता है सारा पार्टी, लेकिन बिहार का जो सिचुएशन है उसमें देख रहे हैं कि शराब तो हर जगह मिल ही रहा है, होम डिलीवरी होती है, लेकिन लोग को अपना खुद समझना चाहिए कि मुझे क्या करना है, शराब अच्छा चीज़ नहीं है, नहीं पीना चाहिए। शराब वही जो शराब जो है अच्छा चीज़ नहीं है, बुरा चीज़ है, और इसे जो है ना बिहार सरकार का जो है ना ये सिस्टम नहीं सही है, कारण बिहार सरकार इसको जो है ना प्रॉपरली बंद नहीं कर पा रहे हैं, जो तरीका से बेस होता है कानूनी तौर से आता है, हुआ एक्चुअली हुआ है क्या, जो एक्शन एकाएक लिया गया है दारू के लिए, कोई पहले से इसका प्लानिंग नहीं था, प्री प्लानिंग करके कोई चीज़ लिया जाता है, तो इसके लिए अच्छा होता है, बेटर होता है। तो सर, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि शराब अभी बंद हुआ नहीं, बिहार में बहुत सारे लोग शराब पी ही रहे हैं, तो इस पे आपका क्या राय है कि मतलब क्या करना चाहिए?
शराब जो है बॉर्डर एरिया से जो शराब आती है बॉर्डर को सील करना चाहिए। बॉर्डर पे जो है हमारे जो प्रशासन है उसको वहाँ पे एकदम पूरा टाइट रहना चाहिए कि बॉर्डर इलाके से शराब पास आउट कैसे हो जाता है, बिहार में आ कैसे जाती है शराब, कहीं ना कहीं प्रशासन का मिली भगत है इसलिए आ रही है। प्रशासन अगर चाह ले तो सब कुछ संभव है, समझे, अगर वो चाह लेती है तो बिल्कुल ही शराब नहीं बिकेगा, अगर शराब बिकेगी नहीं तो कोई पिएगा ही नहीं। तो सर आप शराबबंदी पे क्या बोलना चाहते हैं कि वो अच्छा है या नहीं? नहीं, बिल्कुल अच्छा चीज़ है, ये सामाजिक परिवेश के लिए भी अच्छा चीज़ है। शराब पीना तो ऐसी भी बुरी बात है, कोई भी धूम्रपान गलत चीज़ है, बंद होना चाहिए, लेकिन उसका इम्प्लीकेशन जो है ना सही तरीके से नहीं कर पाया है, उसको सही तरीके से अगर प्रशासन चाहती है, ये जहाँ भी शराब बिक रहा है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगी तो शराब नहीं बिकेगा। क्या नाम हुआ आपका? विपिन झा। सर आप कहाँ से हैं? जी मैं हूँ तो पटना से ही, लेकिन गांव मेरा मधुबनी जिला में। तो सर शराबबंदी पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? शराबबंदी पे यही बोलना चाहेंगे, ये हुआ है तो बढ़िया ही हुआ है, सारे इससे लेडीज लोग के लिए तो सबसे खास कर अच्छा हुआ है, जिसका घर टूट रहा था आज बन रहा है इसके कारण, क्योंकि उसके हस्बैंड डर से नहीं पी रहे हैं। और रहा सवाल कि मिल रहा है, तो मिल रहा है तो पहले की तरह तो है नहीं कि फ्रीली मिल रहा है, डर है लोगों में, तो कुछ परसेंट है अपवाद में, तो अच्छा है तो बुरा भी है, बस यही। सर आप नए साल का स्वागत कैसे करेंगे? नए साल का स्वागत हम अपने वाइफ के साथ करेंगे और फ्रेंड लोग को जो टाइम मिलेगा उनके साथ स्पेंड करेंगे। और बाकी रहा सवाल शराब का, तो एक्चुअली हम पीते थे बट 3 साल पहले ही हम छोड़ चुके हैं, ये भी हम खुल के बोलेंगे। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। सर आपका नाम? सत्येंद्र कुमार शर्मा। सर आप कहाँ से हैं? फुलवाड़ी शरीफ से। सर जैसा कि बिहार में शराब बंद है और नया साल आने वाला है, तो आपको क्या लगता है लोग बिना शराब का नया साल मनाएंगे? अब मनाएंगे नहीं मनाएंगे तो अपना मर्जी है भाई, अब पीना है तो सरकार उस पर प्रतिबंध लगाए हुए है तो रुक तो जाना चाहिए। बहुत अच्छा चीज़ है कि शराब बंद है तो बढ़िया हो जाए, बंद हो जाए तो सब लोग यही चाहता है कि कोई ना पिए भाई, तो जब तक आदमी में जागृति नहीं होगा तब तक तो ऐसा कोई बात नहीं ना है। सरकार कितना रोक लगावेगा आदमी पर, एक पुलिस तो नहीं देगा। अरे आदमी को खुद सोचना चाहिए कि जहर है उससे क्या हमको संपर्क है, उसको हटा दीजिए, नहीं पीजिए वही अच्छा है। अभी तो भाई हम नहीं कह सकते हैं कि पीना तो अच्छा है ही नहीं, ये तो बढ़िया बात है कि सब लोगों को खुशी होना चाहिए। तो सर लोगों का कहना है कि शराब बंद हुआ है बट अभी भी बिहार में शराब मिल ही रही है। मिल रहा तो ये तो सरकार के न काम है, सरकारें न बेचवा रही है, दूसरा कोई नहीं बेचेगा, जितना सख्त नियम और कानून है सरकारें के तरफ से ही बिक रहा है, कोई भी रोजगार कर रहा है, करोड़ों करोड़ का माल ला के यहाँ पकड़ा रहा है, अब देख रहा है तो बॉर्डर पर कैसे टप जाता है, वहाँ सिपाही या फोर्स क्या कर रहा है, कोई तो उसको सहारा जरूर दे रहा है, इसलिए वहीं से ना बंद होना चाहिए। कोई ऐबे नहीं करे हमारे यहाँ पिएगा कौन, मिलवे नहीं करेगा तो पिएगा कौन, चुरा के आप कितना पीजिएगा। तो सर शराबबंदी पे आप क्या कहना चाहेंगे, ये सही है या गलत? एकदम सही है, इसके लिए तो हम लोग भी कहते हैं कि शराब पी के रोड पर चलना तो दुर्लभ हो जाता है ना, अब तो कोई नहीं है, वो तो कुछ तसल्ली मिला है ना, शराब पी के कितना एक्सीडेंट होता है, लोग मरते हैं जीते हैं, तो उसमें सरकार के क्या दोष है। तो सर आप नए साल का स्वागत कैसे करेंगे? हम तो लोग भात दाल सब्जी खाते हैं वही खाएंगे रहेंगे, पैसा है ये नहीं है तो क्या करेंगे, बेरोजगारी का है मार, किसानी भी है तो किसानियों खत्म है, अब कहीं कुछ धंधा रोजगार तो है नहीं। तो सर बेरोजगारी पे कुछ बोलना चाहेंगे? ना ना ना, ना क्या बोलेंगे, हमारा बोलने का कोई असर नहीं ना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। अच्छा सर बिहार में तो शराब बंद है तो उस पर आपकी राय? शराब बंद है तब तो अच्छा है, लेकिन शराब तो देखिएगा रात में ये गली में वो होटल में सगरों पी रहा है आदमी, जहाँ गली में देखिएगा तहीं पी रहा है, मैडम बंद कहाँ हुआ है। तो सर आपको क्या लगता है कि इस साल भी लोग शराब के साथ ही स्टार्ट करेंगे? वो तो पिए वाला तो ऐसे ही करेगा, सब जुगाड़ आधे से फिट है, सब तो सब वही काम करेगा। तो सर आप कैसे नए साल का स्वागत करेंगे? हम लोग नया साल के क्या करेंगे, अब जहाँ है घर परिवार में कहीं अगल बगल में बैठ के आदमी करेगा अपना जो होता है सर, कहा करिएगा घर में बनाएगा खाएगा जो भी पिकनिक, पहले पिकनिक लोग बाहर में बनाता था अब घर में मनाएगा, पहले लोग साल में नानी मैदान हुआ चाहे गाँव देने जिधर बगीचा हुआ आहार हुआ दूर में लोग मनाता था, अब उस चीज़ के घर में मनाएगा।
और सब परिवार खाएगा और क्या करेगा। हाँ सर, कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए। हाँ, कोरोना को तो करना है ना, जितना दूरी बना के रहिएगा उतने ना अच्छा है। अभी के डेट में किसी को हो जाएगा, फिर अगला के होगा तो पूरा परिवार तो आप फंस गए, तो उसका हाल क्या होगा। इससे तो थोड़ा बचिएगा, फिर अगला साल आएगा नया साल, तो हर एक साल आना है रोज अच्छा दिन का। यस सर, तो कम से कम उसको फॉलो ना करिएगा। शराब तो ये जो कह रहे हैं कि जब तक कि सरकारें चोर है आपका पूरा ऊपरा ही से, तो ये बंद होने वाला चीज़ है। आप जो कह रहे हैं आप देख रहे हैं, चार साल से बंद हो रहा, ट्रक के ट्रक पकड़ा रहा है, उन्हें जा रहा है, उन्हें फिर बेल हो रहा है, जल्दी जल्दी उसको बेल दे दीजिए। उन्हें वकील अलगे कमा रहा है, दरोगा अलगे कमा रहा है, मेरा आप जानते हैं सब। तो सर, जैसा कि बिहार में अभी शराब बंद हो चुकी है और नया साल आने वाला है, तो सर क्या लोग नए साल का स्वागत बिना शराब का कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकेंगे, क्यों नहीं। तो सर, जैसा कि बिहार में तो शराब बंद है, बट लोगों का कहना है कि अभी भी बिहार में सरेआम शराब बिक रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है सर? हम तो नहीं देख रहे हैं कि शराब बिक रहा है, और बहुत अच्छी बात है, बंद होना भी चाहिए। तो सर, आप कैसे स्वागत करेंगे नए साल का? हम बिना कभी शराब पीते ही नहीं, हमारे लिए तो अच्छी बात बंद हुआ है बिहार में। सर, जैसा कि 31 तारीख से लेकर के 2 जनवरी तक के सारे पार्क को बंद कर दिया गया है, तो फिर सर आप कैसे नए साल का स्वागत करेंगे? नए साल का स्वागत ऐसा ज़रूरी नहीं है, लोग घर में भी कर सकते हैं, ऐसे भी लोग घूम सकते हैं, बिना पार्क नहीं भी जाएंगे तब भी लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं नया साल। कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्क खुला हो।